Welcome to SJ Inception's your aquarium channel. I am at the Aqua Goa Mega Fish Festival that is being held at Panjim in Goa. और ये काफ़ी बड़ा मेगा इवेंट होने वाला है यहाँ पे. AMart एक्वेटिक वर्ल्ड ने काफ़ी बड़ी लेवल पे एक्वेरियम फिश डिस्प्ले रखे जो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं. सो मेक श्योर यू स्टे ट्यून टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्वेरियम फिश इवेंट्स ऑफ द कंट्री, दैट इज एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल. दिस वीडियो आई एम शूटिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ एक्वा गोवा मेगा फिश फेस्टिवल. तो अब मैं अंदर जाके आपको ये पूरा इनका व्यू दिखाने वाला हूँ. एंड मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज तक जितने भी आपने एक्वेरियम फिश इवेंट देखे रहेंगे उनमें से ये सबसे बड़ा इवेंट है और काफ़ी बड़े लेवल पे यहाँ पे एक्वेरियम फिश की वैरायटीज डिस्प्ले पे रखी है. तो अभी मैं आपको ये पूरी एक्वेरियम गैलरी दिखाने वाला हूँ और सबसे पहले हम यहाँ पे अब एंटर करने वाले हैं. एंड यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हो कि ये इन्होंने एक काफ़ी इनोवेटिव सा एक्वेरियम टनल बनाया हुआ है. सबसे पहले आप ये फ्लोरिंग का पार्ट देख सकते हो, उसके अंदर कोई फिशेज इन्होंने रखे हैं, काफ़ी सारे रॉक्स रखे हैं और इन्होंने इसके अंदर कुछ सैंड भी डाली हुई है. एंड ये अभी बन रहा है फिलहाल, इट्स नॉट रेडी येट, बट फिर भी मैं आपको ये पूरी एक्वेरियम टनल दिखा रहा हूँ. और तो ये वाला पार्ट आप इस टनल का देख सकते हो, यहाँ पे काफ़ी सारे इन्होंने कोई फिशेस यहाँ पे इसके अंदर डाले हुए हैं. एंड मैं नीचे दिखाना चाहता हूँ आपको, तो यहाँ पे आप फिशेस देख सकते हो, ये पूरा एक टनल इन्होंने बनाया है. और यहाँ पे टनल के ठीक सामने एक सिलिंड्रिकल टैंक है, इसके अंदर फैंसी गोल्डफिश है. और यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरा इनका एग्जिबिशन, जो एक्वेरियम गैलरी आप बोल सकते हो, यहाँ पे हर एक टैंक के ऊपर एक डिस्प्ले दिया हुआ है. अब मैं आपको दिखा रहा हूँ एक सिलिंड्रिकल टैंक, जो वन ऑफ द अट्रैक्शंस है यहाँ पे एक्वेरियम फिश गैलरी में. और ये सिलिंड्रिकल टैंक्स बहुत जल्द अवेलेबल होने वाले हैं AMart एक्वेटिक वर्ल्ड के एक्वेरियम फिश स्टोर में, जब इनका ड्राई का जो सेक्शन है वो खुला होगा. इसके अंदर मैं आपको सबसे पहले, इन्होंने काफ़ी सारे खूबसूरत फिशेज डाले हुए. ये सारे जो फिशेज है ये इम्पोर्टेड क्वालिटी के गोल्ड फिश है. और इसके अंदर जो सबसे पहली फिश मैं आपको दिखा रहा हूँ, दिस इज़ एन ओरेंडा गोल्ड फिश. और नीचे यहाँ पे कैलिको गोल्ड फिश है. एंड इसके अंदर आई थिंक सो रैंचो थी, बट अभी जो आप ये फिश देख रहे हो ये ओरेंडास के काफ़ी सारे कैटेगरीज हैं और ओरेंडास के कुछ टाइप्स हैं इसके अंदर. एंड ये जो सिलिंड्रिकल टैंक आप देख रहे हो, ये सिलिंड्रिकल टैंक इम्पोर्टेड है, ये इंडियन मेड नहीं है. और इसके ऊपर आप देख सकते हो कि टेम्परेचर रीडिंग है, और उसके बाद में यहाँ पे और भी सारे साइंस आप देख सकते हो. तो इसके बारे में हम लोग एक बहुत जल्द वीडियो बनाएंगे जिसमें हम आपको इस पूरी सिलिंड्रिकल टैंक के बारे में इन्फॉर्मेशन हम देंगे उस वीडियो में. तो इसके अंदर आप ये वाला गोल्ड फिश देख सकते हो, और इन गोल्ड फिश की साइज़ और इनकी क्वालिटी आप देख सकते हो.
So I'm starting with the first fish. Here are the frontosa's fish. These are known as the Tanganyikan cichlid fish. And iske upar aap dekh sakte ho, ye sare hai exotic goldfish. These are the imported quality goldfish jo bahar se aate hain. And iske andar aap dekh sakte ho bubble eye goldfish hai, which is over here. And iske andar hai lionhead goldfish. Ye oranda goldfish hote hain jo kuch alag hote hain. Yahan pe aap dekh sakte ho, these are elephant nose fish. Inko elephant nose isliye kaha jata hai because they have their mouth some kind of related to elephant ke nose ke aise, isliye inko elephant nose kaha jata hai. And yahan pe har ek tank ke niche inhone kuch display kiya hai fish ke naam. Yahan pe ek shark fish ki variety, inko bolte rainbow shark. Isme ye albino ki variety, ek normal variety bhi aati hai. And yahan pe we are watching the snakehead fish. They are somewhat similar to Senegals and bichir fish, but snakehead ki ek alag variety hoti hai. Yahan pe upar hum dekh rahe hain, these are known as clown knife fish. Normal knife fish aati hai, albino knife fish aati hai. These are clown fish because inke body ke upar aap dekh sakte ho ye black color ke spots hai. That's why they are known as clown knife fish. Ab hum niche dekh rahe hain clown fish ki alag variety. Ye hai albino clown knife fish. इनको रेजो फिश भी बुलाया जाता है. यहाँ पे हम देख रहे हैं तंगानिकन सिकलेट की वैरायटी. तंगानिकन लेक अफ्रीका में आती है और ये फिशेज वहाँ से आती है. दीज आर नोन एज ट्रॉफीज तंगानिकन सिकलेट्स. यहाँ पे आप देख सकते हो एंड हमारे चैनल पे आप इनके काफ़ी सारे वीडियोस देख सकते हो अबाउट तंगानिकन सिकलेट वैरायटीज. नाउ विल क्विकली प्रोसीड टूवर्ड्स द नेक्स्ट फिश टैंक. यहाँ पे अफ्रीकन सिकलेट्स, बनाना, स्ट्रॉबेरी सिकलेट्स यहाँ पे आप देख सकते हो. जैसे कि ये तंगानिकन सिकलेट्स हो गए, ये वाले सिकलेट्स जो है सारे अफ्रीकन सिकलेट्स की वैरायटी है, मलावी लेक से. और ये वाले जो सिकलेट्स है ये तंगानिकन लेक्स है. और अफ्रीका में विक्टोरिया लेक भी होती है, उसके सिकलेट्स अलग होते हैं. यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो ये है गोस्ट फिश इसके अंदर. एंड यहाँ पे सिकलेट फिश की वैरायटी है, दीज आर ब्लड रेड पैरट फिश. तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी साइज़ की फ्रंटोसा फिश है. फ्रंटोसा तंगानिकन सिकलेट्स की काफ़ी खूबसूरत वैरायटी होती है. और यहाँ पे नीचे रेड पैरट्स हैं. यहाँ पे ये है मरीन फिश की वैरायटी, दीज आर नोन एज द पाकिस्तानी बटरफ्लाई फिश. एंड ऊपर अफ्रीकन पाइप फिश है. ये काफ़ी बार हमने हमारे चैनल पे कवर की थी AMart एक्वाटिक वर्ल्ड के स्टोर में. इस टैंक में आपको देखेंगे येलो ब्लॉच बटरफ्लाई, ये मरीन फिश की वैरायटी होती है. और इस टैंक में ऊपर आप देख सकते हो बड़े साइज़ के पाकूस हैं. ये आराम से 1 फीट से ज़्यादा रहेंगे एंड काफ़ी जायंट साइज़ है इनकी. इस टाइम में मरीन फिश की वैरायटी है. यहाँ पे आप देख सकते हो ये है एम्परर एंजल फिश. जुवेनाइल एम्परर फिश जो होती है वो काफ़ी अलग होती है. जब ये फिश एडल्ट हो जाती है तब इसकी जो बॉडी की जो मार्किंग्स होती है पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाती है. जब ये जुवेनाइल होती है तब ये काफ़ी अलग होती है. और आप ये जो ट्रांसफॉर्मेशन देख सकते हो, ये जो आप येलो लाइन्स देख सकते हो कम्प्लीटली येलो कलर की होती है. बाद में ये ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उनका कलर भी काफ़ी सारा ब्राइट होता है. इसके अंदर टैंक फिश की वैरायटीज़ है और जो एंजल फिश की एक वैरायटी है. और ऊपर हम लोग देख सकते हैं यारा प्लैटिनम एंजल्स. एंजल्स में काफ़ी सारी वैरायटीज होती है. ये वाली जो आप देख रहे हो दीज आर नोन एज प्लैटिनम एंजल्स. अब हम नीचे देखेंगे, अगेन वी आर वाचिंग द पैरट फिश. इसके अंदर है रेड ब्लड पैरट फिश. और ऊपर हम लोग देख सकते हैं बाप फिश की वैरायटी है, इनको बोलते हैं टिन फॉइल बाप. हियर आर द ब्यूटिफुल मरीन फिश वराइटीज. इन मरीन फिश की वराइटीज को का नाम है पेन एंड पैनो फिश. आप इनकी डोर्सल फिन देख सकते हो, ये इरेक्ट है और काफ़ी लॉन्ग है, इसलिए ये फिश बाकी फिश से काफ़ी अलग है. एंड ऊपर आप देख सकते हो शार्क फिश की वैरायटी, दीज आर नोन एज सिल्वर शार्क फिश. एंड यहाँ पे एक बाप फिश की वैरायटी है. आप इनके बॉडी के ऊपर देख सकते हो स्पॉट्स हैं एंड दैट इज़ वाई दे आर लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल. यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो कि रेड पैरट्स है इसके अंदर. और ऊपर है ज़ेब्रा डैनियो एंड गप्पी फिश. उसके बाद यहाँ पे अगेन आप देख सकते हो एक बहुत ही बड़ी साइज़ की अल्बाइनो पाकू फिश है. एंड आई थिंक सो दे आर क्लोज टू 2 फीट इन साइज. एंड नीचे आप लोग देख सकते हो ये है स्मॉल साइज़ के अल्बाइनो पाकूस जो 5 इंचेस के करीब है. एंड इसके अंदर आप देख सकते हो एक अफ्रीकन पाइप फिश है यहाँ पे. यहाँ पे एंजल फिश की वैरायटी आप देख सकते हो. एंड ऊपर है ट्रॉफीज, आई एम सॉरी फ्रंटोसास है ऊपर. फ्रंटोसास की इसके अंदर 2 वैरायटीज हैं. अब हम बढ़ेंगे आगे. यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे हैं ग्रीन टेक्सस. आप इनके मार्किंग्स देख सकते हो, इनके बॉडी के मार्किंग्स. इस टैंक में नीचे है अल्बाइनो शॉर्ट बॉडी पेंगेसिस फिश.
पेंगेसिस फिश, इसको कॉमन एक्वेरियम में इनको फ्रेश वाटर शार्क बुलाते हैं, टाइगर शार्क बुलाते हैं, एंड अल्बाइनो शार्क एक अलग होती है, शॉर्ट बॉडी शार्क जो होती है वो अल्बाइनो शार्क से डिफरेंट होती है बिकॉज इनकी बॉडी जो है शॉर्ट होती है। एंड यहाँ पे अगेन फ्रंटोसा फिश है, दो चार तंगानिकन सिकलेट की वैरायटी होती है, और इसके अंदर है टाइगर शोवलनोस कैटफिश जो काफ़ी बड़ी साइज होती है इनकी। अभी ये फिलहाल आई थिंक सो 4 to 5 inches की है, बट दे आराम से रीच मोर देन 2 feet इन साइज। एंड उसके बाद यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो तीसरा टैंचो पैरट्स। पैरट फिश में काफ़ी सारी वैरायटीज आती है, ब्लैक लाइन पैरट, रेड पैरट, येलो पैरट, और इसके अंदर ये टैंचो पैरट है जो एमार्ट एक्वेटिक वर्ल्ड ने इनको इंट्रोड्यूस किया है एक्वेरियम फील्ड ने, क्योंकि आपको टैंचो पैरट्स और कहीं पे किसी स्टोर में देखने को नहीं मिलेंगे बिकॉज एमार्ट इज इम्पोर्टिंग दिस काइंड ऑफ फिशेज एंड इंट्रोड्यूसिंग दिस फिशेज इन द हॉबी। एंड नीचे हम लोग देखेंगे दीज आर नोन एज अल्बाइनो क्लाउन फिश, आई थिंक सो दे आर नॉट नाइफ क्लाउन नाइफ, दे आर नॉर्मल अल्बाइनो नाइफ फिश, एंड इनको रेजर फिश भी बुलाया जाता है। और आप इनकी इनकी आप साइज़ देख सकते हो, मैं आपको दूर से भी इनकी साइज़ दिखाना चाहता हूँ, दे आर वेरी ह्यूज। और जब ये छोटे साइज़ के होते हैं, काफ़ी सारे स्टोर्स में आपको ये छोटे साइज़ के मिलते हैं देखने को जो 2-3 inches के होते हैं, तो ये काफ़ी बड़े साइज़ में इनकी ग्रोथ होती है, और एमार्ट हमेशा ही एग्जीबिशन में बड़े बड़े फिशेस जो है डिस्प्ले पे रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो ये है लंग फिश, और लंग फिश के ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियोस बनाए हैं, इनको लंग फिश क्यों बोला जाता है वो भी बताया, क्योंकि ये लो ऑक्सीजन कंडीशंस में भी रह पाती है। एंड यहाँ पे ऊपर आप देख सकते हो दे आर नोन एज एलिगेटर गार फिश। एलिगेटर गार में काफ़ी सारी वराइटीज़ होती है, अल्बाइनो एलिगेटर गार, प्लैटिनम एलिगेटर गार, ये वाली जो है नॉर्मल एलिगेटर गार है, एंड दे ग्रो ह्यूज इन साइजेस। एंड हियर यू कैन वॉच दीज आर, सो हियर यू कैन वॉच दीज आर बिचर। बिचर काफ़ी एग्रेसिव होते हैं साइज में, एंड यहाँ पे वर्ल्ड ऑफ फिश में भी एमार्ट एक्वेटिक वर्ल्ड ने काफ़ी सारे बड़े बिचेस इंट्रोड्यूस किए थे, काफ़ी सारे बड़े बिचेस इन्होंने एक्वेरियम फिश एग्जीबिशन के डिस्प्ले के ऊपर रखे थे। आप इनकी साइज़ देख सकते हो, और आप इनको नॉर्मल फिशेज के साथ ऐड नहीं कर सकते बिकॉज दे आर वेरी एग्रेसिव इन नेचर। यहाँ पे आबा आबा फिश, ये भी काफ़ी एग्रेसिव होती है, और आप इनको एग्रेसिव फिश के साथ भी नहीं डाल सकते बिकॉज ये काफ़ी एग्रेसिव फिश मानी जाती है, और ये डायरेक्टली बाकी दूसरे फिशेस को अटैक कर सकती है, उनको मार सकती है। यहाँ पे ऊपर एक काफ़ी बड़ी साइज़ की एलिगेटर गार है, एंड ये आराम से 1.5 feet से ज़्यादा लंबी है साइज़ में। यहाँ पे इन्होंने क्लाउन फिश रखी है, और इसके अंदर कुछ टेम्सर फिश भी है। इस टैंक के अंदर एक क्लाउन फिश की वैरायटी है, और बटरफ्लाई फिशेस है इसके अंदर। सो वी हैव कंप्लीटेड वॉचिंग द फर्स्ट सेक्शन, अभी हम लोग देख रहे हैं अगला सेक्शन यहाँ पे, और ये वाला सेक्शन भी आप देख सकते हो। सबसे पहले इस सेक्शन के अंदर मैं आपको ये फिश दिखाना चाहता हूँ, ये वाली जो फिश है आप देख सकते हो ये है रेड आई जाइंट गुरामी, और ये नॉर्मल गुरामी नहीं है, ये रेड आई जाइंट गुरामी है, और आप इसकी साइज़ देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ी साइज़ की है। एंड आप इसका मुँह भी देख सकते हो, काफ़ी बड़ा है साइज़ में, नॉर्मल गुरामी होती है ये, नॉर्मल गुरामी नहीं है, ये रेड आई जाइंट गुरामी है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि एमार्ट एक्वेटिक वर्ल्ड हमेशा ही एक्वेरियम फिश एग्जीबिशन में ऐसे ही बड़े बड़े फिशेस जो है जाइंट फिशेस डिस्प्ले पे रखते हैं, और ऐसे फिशेस विजिटर्स को काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं, ऐसे फिशेस जो है बड़े बड़े जाइंट फिशेस लोगों को देखने में काफ़ी मज़ा आता है। नीचे हम लोग देखेंगे यहाँ पे, तो गुरामी के बाद यहाँ पे यू नो ये इसका नाम लिखा है ग्रे मुलेट फिश, जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे। अब हम बढ़ेंगे आगे, यहाँ पे जूलियंस गोल्डन कार्प, यहाँ पे ऊपर है येलो किंग कॉन्ग पैरट फिश, आप इन किंग कॉन्ग पैरट्स की साइज देख सकते हो, काफी बड़ी साइज की है ये। यहाँ पे नीचे रेड स्ट्राइप स्क्विरल फिश,
अब हम देखने वाले मेगालोप्स फिश। मेगालोप्स फिश काफ़ी कम देखने को मिलती है और एमार्ट एक्वेटिक वर्ल्ड ने ये फिश जो है एक्वेरियम हॉबी में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, इंट्रोड्यूस की है, बिकॉज मुझे तो ये फिश और किसी स्टोर में देखने को नहीं मिली। तो ये जो फिश है ये इन्होंने इस एग्जीबिशन में एक्वेरियम फिश गैलरी में डिस्प्ले पर रखी है। आप इनकी बॉडी देख सकते हो, इनकी जो स्केल्स है वो काफ़ी चमक रहे हैं। ऊपर यहाँ पे है रेड टेक्सस पैरट फिश, जो पैरट फिश की वैरायटी होती है और काफ़ी अट्रैक्टिव दिखती है। नीचे हम देख सकते हैं यहाँ पे है एम्परर एंजल फिश और पेन एंड पैनो फिश। एंजल मरीन फिश में मेरी सबसे फेवरेट फिश है जो ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस फिश को एम्परर एंजल बोलते हैं। एंड यहाँ पे ऊपर है जाइंट गुरामी। देयर इज एसआरडी फ्लावरॉन और ऊपर है अल्बाइनो सिल्वर अरवाना। यहाँ पे द डिस्प्ले नेम रीड्स एज किंग कॉन्ग पैरट। एंड यहाँ पे टैंक फिश की वैरायटी है, माठा टैंक यहाँ पे लिखा है नाम। यहाँ पे है सर्जन मेजर फिश जो मरीन फिश में आती है। नीचे है ओरेंडा गोल्डफिश। यहाँ पे है इसके अंदर ग्रीन टाइगर बॉब्स और टेट्रा फिश की वैरायटी है। ऊपर यहाँ पे ओरेंडा गोल्डफिश है बड़ी साइज की। यहाँ पे देर आर मोटोरे स्टिंग्रेस। यहाँ पे ऊपर इसके अंदर अल्बाइनो ऑस्कर और टाइगर ऑस्कर है। यहाँ पे है सिल्वर शार्क्स और यहाँ पे स्नेकेट्स की वैरायटी है। इसके अंदर कुछ ब्लू टेक्सस फिश है और स्नेकेट फिश है, चन्ना स्नेकेट्स फिश, और ऊपर है ब्लैक ओरेंडा फिश। यहाँ पे है एसआरडी फ्लावरॉन फिश और नीचे हॉली क्वीन टेट्रा फिश। और यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी सारे टाइगर ऑस्कर्स है इस टैंक में। यहाँ पे आप देख सकते हो दिस इज एन एसआरडी फ्लावरॉन दैट इज नोन एज अ रेड सुपर ड्रैगन फ्लावरॉन। जब ये सामने आ जाती है मैं आपको उसका लुक दिखा देता हूँ। यहाँ पे सारे हैं टाइगर ऑस्कर्स और इसके अंदर कुछ है कॉपर ऑस्कर्स भी है। दो वैरायटी के ऑस्कर्स आपको मिलेंगे इसके अंदर। यहाँ पे इसके अंदर एक काफ़ी अट्रैक्टिव मरीन फिश की वैरायटी है जिसका नाम है लायन फिश। लायन फिश के अंदर एक स्टिंग होता है इसलिए आप इनको बेयर हैंड्स के साथ पकड़ नहीं सकते हैं। एंड लायन फिश में एंटीनाटा लायन फिश आती है और फुमांचू लायन फिश आती है। एंड यहाँ पे एक नीचे आई थिंक सो टैंक वैरायटी है, टैंक या बटरफ्लाई वैरायटी है। एंड यहाँ पे टेम्सल फिश की वैरायटीज़ है, ये मरीन फिश में आती है और जिनको मरीन फिश में स्मॉल साइज़ की फ़िश रखनी होती है उनके लिए काफ़ी अच्छी ऑप्शन है टेम्सल फिश की। Thank you again.
Thank you.